नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आ रहे हम खेत में, क्योंकि गेहूं काटने वाली मशीन वगैरह लगवाई हुई है, तो बस उसी का थोड़ा प्रोसेस देखने के लिए थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और शाम का वक्त है तो चलते हैं। चलो आप ही चलिए साथ में। गेहूं काटने की मशीन है, पूरा प्रॉपर प्रोसेस हमें दिखा लूँ आपको। आगे से देखो गेहूँ वगैरह काट रहे हैं और पीछे से जो है इसका कूड़ा वूड़ा जो भी गंद वगैरह है वो अलग से निकल रहा है। और ये देख लो, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, जैसा मैंने पहले बताया है और तो कभी नहीं देखा था। सुना सुना था मतलब गेहूं काटने वाली मशीन है ये फलाना निमकाना, तो आज मैंने पहली बार ही देखा है। खेत में मैंने का प्रोसेस देख लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। गांव में जो प्योर गांव में रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा। बाकी 2-4 साल से हम भी मशीन से कटवा रहे हैं, वैसे तो मजदूर लोग ही काट लेते थे, तो बाकी मतलब कटाई तो हो गई, अभी निकाल रहे हैं। तूड़ अलग हो जाएगा और इसमें और गेहूँ अलग, तो भाई मैंने भी देख लिया और तुम लोगों को भी दिखा दिया। अभी मशीन ना चालू हो गई है और जो ये नीचे काट लेते हैं ना गेहूं वगैरह, उसके बाद अभी तूड़ा बनेगा। ये देखो पीछे देखो, ये जो बोगी वगैरह ये भर रखे हैं ना, इसमें सारा तूड़ा वूड़ा इकट्ठा हो रहा है क्लीन होके। मतलब ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। आज हम मैगी को भी अपने साथ में लाए हैं खेत में और ये देखो कितने आराम से बैठी हुई है, बिल्कुल आराम से बैठी हुई है, वरना अभी तक तो इधर उधर भाग जाती, मजे ले रही है। ये भी यहाँ पे बैठ के सब बैठे हैं, मम्मी भाभी सब। दोस्तों हम अपने खेत में तो देखा आए हैं और अब ये देखो मतलब हर तरफ है ना मशीन वगैरह ही चली हुई है। ये देखो लाइट वगैरह दिख रही होंगी ना आपको, ये हर जगह ना मशीन वगैरह लग रही है। ये तो हमारे बिल्कुल पास में थी कि कटाई वगैरह अभी कुछ हुई नहीं है। देखो सारे कैसे लेटे पड़े हैं, अब जैसे आंधी वांधी आ रही थी ना तो उसकी वजह से। ये देखो और मौसम भी देखो मतलब गदर हो रखा है, घटा हो रखी है, बारिश भी आ सकती है। अगर बारिश आ जाएगी तो भाई नाश हो जाओगा कत्ती। तो दोस्तों सारा प्रोसेस मैंने दिखा दिया, अब रात हो गई है, बारिश आने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।